दूर कहीं एक गांव में एक लड़का रहता था। ये दुनिया जीत लेगा वो, न जाने क्यों उसे ऐसा लगता था। जब भी वो लोगों को अपना सपना बताता, सब उस पर हंसते थे। तू पागल हो गया है, तेरी औकात नहीं है कहते थे। पर सनकी था वो, अकेला ही पूरी दुनिया को चैलेंज करने लगा। लोगों को अभी जवाब नहीं देता था, अकेले में मेहनत करने लगा। जमीन पे, पत्थर पे, कागजों पे अपना सपना लिखने लगा। इतना विश्वास था उसे खुद पर कि आईने में उसे कल का राजा दिखने लगा। पर जब भी वो पढ़ने बैठता, उसका मन उसको पढ़ने नहीं देता। वो सब कुछ करने की योजना बनाता, पर मन कुछ भी करने नहीं देता। वो था तो एक योद्धा, पर अक्सर उसका मन उसको हरा देता था। कई बार मन को मुंह की खानी पड़ती, पर मन उसको भ्रमित करके अपना गुलाम बना देता था। वो समझ गया था, मन शक्तिशाली है, इसलिए उसने मन को अपना यार बना लिया। जो कल तक उसका दुश्मन था, आज उसे सबसे शक्तिशाली हथियार बना लिया। वो 10 मिनट मन की बात मानता और 2 घंटे अपनी मनवाता था। वो मन को बड़ा होने का झांसा देकर अपना सारा काम करवाता था। कई चुनौतियां आई, लोग हंसते रहे, वो गिरता रहा, पर योद्धा उसके खून में था, इसलिए उसने हार नहीं मानी। वो मेहनत करता गया, लड़ता गया, तब तक जब तक उसने अपना सपना सच नहीं कर लिया।